नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24। मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार सक्सेना। हमर विधानसभा, हम तो पूछेंगे जनता के सवाल। पूरे TV24 की टीम लगातार पूरे बस्तर के अंदर पूरे 90 विधानसभा में कवरेज कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है कि सरकार के जो दावे हैं उसको लेके जनता क्या सरोकार रखती है, विपक्षी दल क्या सरोकार रखता है। फिलहाल अगर हम बात करें भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के बारे में, इसके इतिहास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक यहाँ पे 3 बार जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2013 और 2018 में कांग्रेस पार्टी ने लगातार जीत की दर्ज की। मनोज मंडावी जी यहाँ पे लगातार जीत दर्ज की। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सावित्री मंडावी जी को टिकट मिला, जिन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की है। तो भानु प्रतापपुर इतिहास की अगर बात करें तो भानु प्रतापपुर लगातार एक विकास की तस्वीरों में है और यहाँ के मतदाता बहुत जागरूक है। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के चलते यहाँ की जो सीट है वो ST कोटे में आरक्षित है। हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम विधायिका मैम के पास जाएंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई में जो आप सरकार दावे कर रही है कि कैसे यहाँ के विकास की तस्वीरें बदली है, उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे। 4.5 साल का अब तक कार्यकाल रहा, आपकी क्या मुख्य उपलब्धियां हैं? देखो, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, माननीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ किसान पुत्र मुख्यमंत्री, तो वाकई में उनके आने पर लगातार विकास के कार्य हुए हैं। और उपचुनाव होने के बाद वाकई में जब घूम रही फील्ड में 6-7 महीने हो गए, तो जब स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी थे तो वाकई में विकास के कार्य इतने हुए हैं आपको गिना नहीं सकती। और हमारे मुखिया भी है, उनकी सोच है यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के किसान लोग हैं, यहाँ के मजदूर लोग हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने भरपूर उनके लिए सौगातें दी हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, ये जो क्षेत्र है भानु प्रतापपुर क्षेत्र, तो यहाँ पर इतने विकास के कार्य हो, चाहे वहाँ पूरे समाज को ये लेके चलते थे और पूरे समाज के लिए उन्होंने जो सामुदायिक भवन दिया है, और साथ ही देवगुड़ी और घोटुल हर गाँव में जहां जहां छूटा है, एक दो गांव छूटे हैं, पर मैं कहना चाहूंगी घोटुल और जो देवगुड़ी है वाकई में यहाँ हर गांव में वो बन गए हैं, देवगुड़ी और घोटुल। और सबसे बड़ी सौगात है हमारा जो वो मेडिकल कॉलेज, वो जो गिरिग्राम में तेलगरा वहां खुलने वाला है। और साथ ही यहाँ अभी जो है 28 करोड़ का नल जल मिशन यहाँ पर जो भानु प्रतापपुर में जो आया है 28 करोड़, वो काम होने वाला है। और साथ ही हमारी ये जो मैदान है ये हमारा, वो उसके मैदान के लिए भी पैसा है, हमारा उपजेल बना है। और जाड़े खुर्सी जो वो पुल जो है वाकई में वो लोगों को बहुत असुविधा होती थी, और उनके बनने से वाकई में आज लोग आना जाने का बड़े सुविधा हो गया है। तो ऐसे बहुत से सौगात हैं, मैं गिनाऊंगी तो बहुत वो लगेंगे, वो तो इतने सारे सौगात हैं। और साथ ही हम चाहे रिपक माध्यम से हो चाहे गोठान के माध्यम से, आज हमारी बहनें जो हैं हमारे सरादू नवगांव में जाकर देख लीजिएगा, वहां जो है आज महिलाएं इतने मतलब गोबर से पेंट बनाने का काम करिए, पुट्टी बनाने का काम करिए, साथ ही ईट बनाने का काम करिए, छोटा राइस मिल वहां खुल गया है, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे बदख पालन हो, या सब्जी उगाने का कार्यक्रम हो, वो पूरा काम आज महिलाएं कर रही है। तो आज जो है महिलाएं भी जो है आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ हुई है, और पूरी महिलाएं जो आकर यहाँ क्षेत्र में काम करी है, तो इस हिसाब से जो महिलाएं जो है बहुत खुश है, मजदूर भी खुश है, हमारे किसान भाई भी बहुत खुश है, और इतने खुश है, इतने विकास के कार्य हुए हैं। तो इन सबको देखते हुए बस इतना कहें, अब की बार जो है 75 पार जो नारा है हमारा वो बिल्कुल सक्सेस। 75 पार आपका नारा है। आप हमारे साथ हेमंत ध्रुव जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जनपद पंचायत जिला अध्यक्ष, आपको क्या लगता है कि कितनी तस्वीरें आपने बदलने का प्रयास किया, विकास के जो दावे आप कर रहे हैं? निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हैं। 15 साल में अगर देखा जाए बनिस्बत, तो हम सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। 9,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ किसानों का, और उसके बाद 2,500 रुपए जो समर्थन मूल्य सरकार ने देने का वादा किया था, लगातार सम्मानित भूपेश बघेल जी राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। और उसके बाद मैं आप देख लीजिए, रकबा खेती का रकबा बढ़ते जा रहा है, पंजीयन बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप देख लीजिए, अगर आंकड़े देखें 15 साल में जितनी सोसाइटियां नहीं थी, लैंप्स नहीं थी, उसके बनिस्बत सबसे ज्यादा 3,000 के करीब लैंप्स खुल गए हैं। तो किसानों को एक रास्ता मिला है, और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए काम किया है। और जो किसान भूमिहीन है, जिनका जमीन नहीं, उनको 7,000 रुपए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन योजना के माध्यम से उनको 7,000 रुपए देने का दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ अगर हम युवाओं की बात करें, आप देख लीजिए युवा संवाद आज पूरे संभाग में चल रहा है, और जो हमारे दूर दराज के बच्चे आते हैं उनको आज आप फ्री में
आवागमन का उपलब्ध कराया, ये सबसे बड़ी बात है युवा लोगों के लिए, जिनको पढ़ने के लिए एक नया शक्ति मिला, एक रास्ता मिला है। बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए वो देने का प्रयास किया। अभी आप देख लीजिए जितने भी हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, किसान घर के बच्चे हैं, जिनका सपना सिर्फ ये रहा कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाएंगे नहीं, उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दिया, स्कूल दिया है, कॉलेज खुला है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी जिला प्रशासन और हमारे राज्य सरकार के माध्यम से जिले में नीट और जेई की तैयारी के माध्यम से कम 76 ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी। चलिए, विधायकों में हमने भी और हेमंत ध्रुव जी ने भी अपनी एक सरकार की उपलब्धियां बताई है। मैं समझना पड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी से आप जो दावे विधायकों में हमने की है और जनपद पंचायत अध्यक्ष कर रहे हैं, क्या सरोकार रखते हैं, ये वास्तविकता में जमीन में रूपांतरित हुआ है? देखिए, पहले बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल को अपने आप का किसान का पुत्र, किसान का बेटा और किसान हितैषी मुख्यमंत्री कहा गया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अपने कांग्रेस के भाइयों से, जो किसान का बेटा कहने वाला किसान का बोरा का पैसा वापस नहीं कर पाया, इस देश की, इस प्रदेश की जनता का क्या खर गया? रही बात रकबा बढ़ने का, गिरदावली के नाम पे तुम बोले कि गिरदावली के नाम पे उस किसान का जहां पे लाड़ी है, जहां पे नाली है, जहां पे बोर है, उस गिरदावली के नाम पे उस जमीन को काटा गया। किसान का खेत अगर बनता है तो वहां पे मेड़ होता है तो खेत बनता है, और खेत के नाम पे उस गिरदावली के नाम पे उस जमीन को काटा गया। एक एक बार में 15 से 20 डिसमिल जमीन काट दिया गया। ये न्याय योजना की बात करते हैं, 2500 रुपए समर्थन की बात करते हैं, इनसे पूछना चाहिए, 2100 रुपए मोदी जी देते हैं, अब तुम 400 रुपए को बचा के 4 किस्त में नकली गांधी न्याय योजना के नाम से तुम देते हो उस पैसे को। भाई मेरा यह कहना है कि तुम 2500 रुपए अगर बोले तो 2500 रुपए दो, 2100 रुपए केंद्र सरकार का एमएसपी का जोड़ो, कितना पैसा होता है। जो व्यक्ति, जो किसान, रही बात गोठान का बात हो रहा था, हमने घूमा है गोठान वहां पे, और हमने देखा है ये सरकार ने दावा किया कि हर गोठान पे 19 लाख रुपया खर्च किए हैं, वहां पे वर्मी कंपोस्ट बनाया गया है। और अभी अभी हम लोगों ने, किसान लोगों ने कलेक्टर घेरा था, नकली वर्मी कंपोस्ट कलेक्टर के ऑफिस में फेंक के आया था, ये मजबूर किया किसान को। तो अगर मैं यूरिया लेता हूं, डीएपी लेता हूं, राखड़ अगर खाद लेता हूं, तो मेरे को मजबूरी में वर्मी कंपोस्ट लेना पड़ेगा, अन्यथा उस किसान को वो खाद नहीं दिया जाएगा। ये क्या है, वर्मी कंपोस्ट के नाम पे दलाली करने का काम किया गया। रही बात तो आपका गौठान का, गौठान में ऐसे लोग जो फायदा लिए, कई लोग बता रहे हैं जिनके पास गाय नहीं है, लाखों रुपया का गोबर बेचे स्कूटी में घूम रहे हैं, ये दिखा रहे, इतना फर्जी गिरी। कम से कम इतना तो काम कर दो भैया कि जनता अगर चुनी है, आपको मौका दी है, आप अपने आप को किसान का बेटा मानते हो मुख्यमंत्री, तो किसानों को बोरा का पैसा वापस नहीं कर सके, मैं तो बोलूंगा इतना चिंता आप इस प्रदेश की, छत्तीसगढ़ या किसानों का कर लीजिए, और नकली गांधी परिवार का चमचागिरी करना बंद करो तो हमारा छत्तीसगढ़ आगे जाएगा। बिल्कुल, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, उनके भी कुछ सवाल है, मैं विधायक मैम के पास जाके सवाल का जवाब जरूर लूंगा। आपको क्या लगता है, क्या सरोकार रख रहे हैं, आपकी जो दावे कर रहे हैं वास्तविकता में जमीन में रूपांतरण हुआ भारतपुर के विकास को लेके, अन्य शिक्षा को लेके? देखिए, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ पे, उस समय उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड बना दिए, लेकिन बड़ी खुशी थी हमें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बन रहे हैं, भूपेश बघेल जी बने, 15 साल के रिकॉर्ड को 6.5 साल उन्होंने तोड़ के दिखा दिया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। मैं छोटी छोटी 2-4 चीज बताना चाहूंगा, अभी स्कूलों का रेनोवेशन की बात चल रही है जिसमें करोड़ों रुपए का बंदर बांट किया जा रहा है, सारे कांग्रेस के नेता आज ठेकेदार बन गए हैं, उसमें सारे रूल रेगुलेशन को खत्म करके केवल कांग्रेस के नेताओं को बांटी, रेबड़ी की तरह बांटी जा रही है। दूसरी बात, अभी डीएमएफ फंड से कई लोगों के, किसानों को जो है ना, गरीब आदिवासियों को फ्री में बोरवेल्स देने की बात होगी, सारे कांग्रेस के नेताओं के घर में बोर खुदाई गई है। मैं अभी बात बता दूं, नरवा गरवा गोरा गरवा बारी और गोठान है, पूरी तरह योजना फेल है। गायों के संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन अभी की बात करूं, राजधानी रायपुर में नगर निगम के द्वारा वहां के गायों को नीलामी के लिए टेंडर निकाला गया है। आप गाय की संरक्षण कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं? पूरे प्रदेश में आज नरवा गरवा गुरुआ बारी और गौठान पूरी तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, लोग परेशान है, लोग त्रस्त है। ये भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हाँ, हमें आत्मानंद स्कूल बना दिए, 172 स्कूल बना के छत्तीसगढ़ के जो अंतिम सोपान का जो व्यक्ति है, बच्चा है, उसको हम शिक्षा दे दें, संभव नहीं है। इसी क्रम में यदि चले, इसी गति से चले, 200 साल लग जाएंगे अंतिम जो बच्चा है, गरीब बच्चा है, उसको शिक्षा देने के लिए। पूरी तरह कांग्रेस पार्टी की सरकार फेल है, पूरी तरह भ्रष्टाचार की आकंठ में झुका चुका है। मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने नारा दिया था
कि डीजल नहीं अब खाड़ी में डीजल मिलेगी बाड़ी में, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। 15 साल की सरकार 15 सीटों में सिमट के रह गई। अब आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी के जो 75 पार का जो सपना है, मुंगेरी लाल का सपना बनेगा। आने वाले समय में दोनों पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी। ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ बनेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब क्रमबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी से भी लूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया मैं उनसे भी समझूंगा। लगातार पूरी बात की जाए तो एक आरोप पूरी कांग्रेस पार्टी पे, हम पूरी विधानसभा में घूमे, एक आरोप लगातार लगते आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो ठेका निकाल रहे हैं उनके खुद के कार्यकर्ता ठेकेदार, ये आरोप लगातार देखे जा रहे हैं, क्या लगता है? ये कहना गलत बात है कि केवल कांग्रेस के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं। अगर उनको ऐसा लगता है तो जिस कार्यालय में जो ऑक्शन होती है, जो काम दिया जाता है, वहां जाके पता करें। ये बात बताना चाहूंगा आपको, बीजेपी के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा से भटकने के लिए वो अनगिनत बातें कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा, ये 15 साल की राजनीति में इन्होंने केवल और केवल एजुकेशन के लिए 3,500 स्कूल को बंद कराया था। हमने जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी वो 3,500 स्कूल को खोलवाने का हमने काम किया है, इसलिए कि हमारे आदिवासी अंचल में हमारे आदिवासी बच्चे जो स्कूल बंद पड़े थे उस स्कूल में जाकर पढ़े, ये हमारी सोच है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पेट्रोल डीजल जो 15 महीना से कोई परिवर्तन नहीं है, वही रेट हो गया है, लेकिन 15 महीना में 3 करोड़ तेल का भाव 30% घट चुका है, लेकिन जो दाम है वही का वही 15.5 साल तक है। उनका जवाब दे। दूसरी बात, अभी हमारे इंडिया का गठन हुआ, मोदी जी घबरा गए, घबराने का लोग तत्कालीन में रसोई गैस को 200 रुपए कम किए, जबकि 200 कम करने पड़े 9 वर्ष में, उन्होंने केवल और केवल 185% 9 वर्ष में उन्होंने बढ़ाया और घटाया कितना 17.5% घटाया है। ये तो बात है, अगर घटाना है तो उनके आधा तो कम से कम घटाइए। 200 तो ऐसा हुआ, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, मतलब तो की है। ये केवल और केवल हमारे इंडिया की जो गठबंधन हुए उनके डर के कारण ये 200 को कम किए हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। चलिए मैं दूसरे सवाल का जवाब आपसे ले लेता हूं। उनका कहना था कि 2100 रुपए समर्थन मूल्य की जो बात कर रहे हैं आप लोग, 2500 रुपए दे रहे हैं, 2100 रुपए नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, 400 रुपए आप दे रहे हैं, सतीश लाठिया जी ने आरोप लगाया है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वो लोग ने वादा किया था 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपया बोनस देंगे, और किसानों को उन्होंने लगातार 3 कार्यकाल तक ठगा। अगर समर्थन मूल्य में उनको खरीदना था तो उनके कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं खरीदा? और किसान तो खुश है 4 किस्त में मिल रहे करके, क्योंकि उनको मालूम है किसान को कि साल भर हमारा जब दिवाली आती है, त्योहार आता है, मेन जब छत्तीसगढ़ का त्योहार आता है उसमें उनको पैसा मिल रहा है। किसान को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि उनको मालूम है कि भूपेश बघेल जी के आने के बाद यहां किसानों की संख्या डबल हो गई, यहां रकबा डबल हो गया, उत्पादन डबल हो गया और किसान खुशहाल है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा से भड़काने के लिए उल्टी सीधी बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछता हूं कि अगर भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम नहीं किया तो आपकी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 5 साल में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। ये केवल भूपेश बघेल की नीतियों का परिणाम है कि 40 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मिसाल है छत्तीसगढ़ के लिए। इसका जवाब इनको नरेंद्र मोदी जी और नीति आयोग से लेना चाहिए कि ये जो बात बोल रहे हैं, अगर भूपेश बघेल जी की अगर नीति धरातल में नहीं आती तो ये रिपोर्ट फिर नीति आयोग का या झूठा है या ये लोग सही है, इनका जवाब इनसे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी जवाब मैं उनसे पूछ लूंगा। कोमल हुपेंडी जी ने भी अभी एक आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। पहले 15 साल उनकी सरकार थी तो वही हुआ, कांग्रेस पार्टी भी वही कर रही है, क्या बोलेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम मैं आम आदमी पार्टी को ये बोलना चाहता हूँ, IN.D.I.A जिसका ये नाम ले रहे थे उस पार्टी के, वो गठबंधन में है और पूरे देश में वो दिखा चुके हैं, केजरीवाल कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ चुके हैं, तो वो इस विषय पर बात ना करें। दूसरी रही भ्रष्टाचार की बात, तो मेरे से पहले हमारे यादव जी बोल रहे थे, तो मेरे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने एक RTI डाली स्कूल में फर्जीवाड़ा के नाम से, जिसकी हमारे पास सूची आ गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विधायक के संरक्षण में
पेमेंट किया गया है कार्य का, जिसमें पूर्णतः भ्रष्टाचार था, और भ्रष्टाचार को दबाने के लिए मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के ऊपर FIR करवाया गया, सरकारी कर्मचारी के ऊपर दबाव बना के FIR कराया गया, वहां के मंडल अध्यक्ष प्रकाश जोतवानी के ऊपर, जबकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, उसके बावजूद जिला बदर की कार्रवाई करने के लिए विधायक के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। ये किस प्रकार के भ्रष्टाचार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये इन्हीं से पूछना चाहूंगा। स्वास्थ्य अमला में मैं आता हूं, स्वास्थ्य अमले में यहां के अस्पताल में टिटनेस का इंजेक्शन नहीं है कई महीनों से, बाकी दवाइयों पर नहीं जा रहा हूं, एक टिटनेस का इंजेक्शन यदि एक अस्पताल में नहीं मिल पाता है तो इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है, ये मैं बताना चाहता हूं। इससे पहले बीरेश ठाकुर जी ने हमको बोला कि 3,500 स्कूल बंद हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूं 2003 में जब हम सत्ता में आए थे तो 22,000 गांव में 13,700 प्राथमिक पाठशालाएं थी, जिसको ले जाकर हम 38,000 किए। तो आप कौन से आंकड़े के अनुसार हमको ये बोल रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में 3,500 हमने स्कूलों को बंद किया? इससे पहले ये नीति आयोग का उदाहरण दे रहे थे, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कुछ समय पहले बेरोजगारी दर इनके द्वारा 0.3% थी, जो बड़े बड़े फ्लैक्स भूपेश बघेल जी लगा के पूरे छत्तीसगढ़ में घुमा रहे थे, वो कौन सा सर्वे रिपोर्ट था इस पे उन्होंने जानकारी नहीं दी? बेरोजगारी भत्ता हम दिए ही बोल रहे हैं, 2,00,000 से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार कांकेर जिले में हैं, और मैं यहाँ के विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ कि कितने पंजीकृत बेरोजगारों को आपने बेरोजगारी भत्ता दिया, और यदि आप बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं तो चुनाव के 2 महीने पहले क्यों देंगे? आपने गंगाजल की जब कसम खाई थी, शराबबंदी का आपने वादा किया था, तो उस समय पे अभी आप जोड़ेंगे तो प्रत्येक युवा के आप 1.5 लाख लगभग आप कर्जे में चले गए हैं। तो इन सब विषयों को जब कांग्रेस सरकार देखेगी तो भ्रष्टाचार में पूर्णतः यह संलिप्त और आपस में खुद लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, कई गुट में ये बच चुके हैं। जय वीरू को आप देखें, अभी कुछ दिन पहले इन लोग की लड़ाई ठीक हुई है, कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ का गायब हो जाता है, और यहाँ की विधायक महोदय के संरक्षण में अवैध अतिक्रमण होते हैं, कई प्रकार के घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, और उसको दबाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार FIR किया जाता है। कॉलेज में आप जाएंगे, कॉलेज में जाके फीता काटने से नहीं होता है साहब, वहां पे व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी, वहां पे बंदरबांट होता है, वहां की जमीन में अवैध अतिक्रमण आप जाके देखेंगे तो बाजू में होता है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है भू माफिया आ गए, रेत माफिया आ गए, कोल माफिया आ गए, चारामा क्षेत्र में किसके संरक्षण में इतना बड़ा रेत माफिया गिरी चल रहा है, और जहां तक मैंने सुना है उद्योग की कई एकड़ की भूमि भी कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने दबा के रखी है, इसका भी हम डाटा ला रहे हैं, और कुछ ही समय में आरोप पत्र के साथ हम पूर्णतः डाटा के साथ जो विधायक के संरक्षण में यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है इसको पूर्ण रूप से हम खोलने के लिए तैयार रहेंगे। मैं भाई साहब युवा मोर्चा के साथी बोल रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि प्रकाश जोतवानी के ऊपर जब 110 का मामला जिला भर का कार्यवाही हुई ना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2016 में ही, अपनी जानकारी तंदुरुस्त रखें। और जहां तक स्कूलों में भ्रष्टाचार का मामला, आप लोग पुतला किए थे कि भ्रष्टाचार का मामला है, हम FIR करवाएंगे, शाम को चुपचाप जाके आप समझौता क्यों किए थाना में, किसके साथ? BO के साथ। आपने अगर दम था तो क्यों कार्रवाई के लिए नहीं किए? और दूसरी बात, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की बात, आपका जिला अध्यक्ष, आपका मंडल अध्यक्ष, आपकी महिला मोर्चा का अध्यक्ष, आपका नगर पंचायत का अध्यक्ष, गरीब जनता के टैक्स के पैसे से चारों नगर पंचायत में डीजल डलवाए अपनी गाड़ी में, अगर जरा भी शर्म हो तो अपने पार्टी से अपने पद से इस्तीफा दो। और कोरोना काल का नाम लेते हैं आप, कोरोना काल में कौन बोलता है कि गाड़ियां चलती है? कोरोना काल में अगर आप काम किए तो आप अपने गाड़ी के नाम से बिल बनाना था, कचरा गाड़ी के नाम से आप बिल क्यों निकाले? गरीब जनता के पैसे के नाम से डीजल पेट्रोल डलाने वाले नैतिकता की बात मत करें। मैं भारतीय जनता पार्टी और मेरे आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टी के मित्रों से के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, अभी आपको जनता ने एक महती जवाबदारी दी है उस तरफ बैठने की, विपक्ष की भूमिका निभाने की, तो आपका अभी काम ही है कि आप आरोप प्रत्यारोप अनर्गल लगाएं, चाहे झूठ जैसी भी स्थिति रहे वो सरकार के ऊपर आप लगा रहे हैं, वो आपकी जवाबदारी है। अब मैं बता दूं कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जनमानस के लिए, जनता के हित में सैकड़ों योजना, बहुत सी योजनाएं लाई हैं, जिसका सीधे लाभ जनता के पास सीधे जनता को हो रहा है। उसका एक उदाहरण यह है कि भूमिहीन कृषि मजदूर जो निकाय क्षेत्र में जो दुकानों में काम करने वाले लोग हैं, नाई मोची ऐसे लोग हैं, ऐसे 532 परिवार को सीधे 7,000 रुपया
सालाना उनका पंजीयन हुआ है, उनको प्राप्त हो रहा है, इसमें 5,000 तक का राशि जा चुका है। इसी प्रकार स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं ये लोग, तो शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत हर 25 या 30 या 40 घर के पीछे में हमारा मोबाइल यूनिट वहां जाता है और जांच करता है, उनके स्वास्थ्य की जवाबदारी जानकारी लेता है। और आप टिटनेस इंजेक्शन की बात करते हैं, भाई हमारा टिटनेस इंजेक्शन तो गाड़ी के साथ चलता है, घर तक पहुंचता है, उसका चिंता मत करें आप। आपका अभी काम वही है उधर आरोप प्रत्यारोप लगाने का। और इतनी योजनाएं हैं भाई इस क्षेत्र में, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में, इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा गांव नहीं बना हो, दूरस्थ अंचल ऐसा नहीं बचा हो जहां तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हो। आज ये क्षेत्र खुशहाल है, प्रत्येक समाज का व्यक्ति खुशहाल है। और आप क्या है, आप सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, दूसरा काम नहीं है। और फिर से आपको हमारे प्रदेश के मुखिया के कार्य काम काज के आधार पे, हमारी विधायिका जो 10 महीना मात्र हुई है जनता के आशीर्वाद से, इन्होंने अपनी सक्रियता का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि यदि विधायक तो ऐसा उन्हें दिखाया है, जनता के बीच निरंतर काम किए हैं। आपको ये बता दूं कि ये जो जवाबदारी आज वहां बैठ के निभा रहे हैं, जनता फिर 2 महीने के बाद वही आपको उठाएगी, जनता आपको वही बैठा रहेगी। एक आरोप अभी बहुत आरोप लगाया, गंभीर आरोप आपके ऊपर कि आपके जिला अध्यक्ष, आपके मंडल अध्यक्ष चंदे में जो पैसा है उससे पेट्रोल डलाया जाता है, डीजल डलाया। मैं इनके आरोपों को अभी जवाब दूंगा। और विधायक मैडम ने जो कहा वो कोरा झूठ भी मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज, आपको पता होगा कि तत्कालीन जो सांसद थे विक्रम उसेंडी जी और उसके बाद अभी वर्तमान सांसद मोहन मंडावी जी, उनके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी से मिलके, उनका लेटर भी मेरे पास इस मोबाइल में पड़ा हुआ है, उन्होंने स्वीकृत की। ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और स्वीकृत किया है उन्होंने, एजेंसी तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो इसलिए उसका श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप गंगा जल में हाथ में गंगा जल लेके आप कसम खाए थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 साल का बोनस नहीं दिया है उस बोनस को भी हम देंगे। आपको पता है ये 2 महीने बाद चुनाव आने वाला है, वो 2 साल का बोनस कब देंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। और तीसरा 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 कि डीएमएफ फंड किसके लिए होता है, क्षेत्र के विकास के लिए होता है। भानु प्रतापपुर में 4-4, 5-5 माइंस है, आज अगर डीएमएफ फंड का सदुपयोग होता तो हमारा ये भानु प्रतापपुर आज विकास के एकदम अग्रिम पंक्ति में रहता और छत्तीसगढ़ का पहला शहर होता भानु प्रतापपुर, अगर डीएमएफ फंड का जो है अगर सदुपयोग किया गया होता। इन्होंने जो आरोप लगाया है वहां पे नगर पंचायत के द्वारा कोरोना काल में 5,64,000 रुपए का कुल डीजल पेट्रोल डलाया गया था, ये सही है। और इसकी शिकायत उस समय के पार्षद और कांग्रेसियों के द्वारा की गई थी और तत्कालीन कलेक्टर चंदन कुमार जी के द्वारा संयुक्त कलेक्टर की अगुवाई में, ये रिपोर्ट मैं रखा हूं आपको, मैं सेंड कर दूंगा, उनके द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई, जो अभी पेपर में छपवाए हैं ना, सेम वही एक ही बिंदु का, चूंकि वहां पे धरना प्रदर्शन हुआ, बौखला गए, तो क्या किया जाए, पुराना ही मामला रिपीट करो। इसकी जांच 5 मई 2022 को तत्कालीन कलेक्टर चंदन कुमार जी के द्वारा संयुक्त कलेक्टर के माध्यम से कराई गई और रिपोर्ट क्या हुआ है साहब आप देखिए, पूरी नगर पंचायत की जो गाड़ी थी कोरोना काल में, उसमें जो 5,64,000 के डीजल में से जो ये कहते हैं ना प्रकाश जोतवानी मंडल अध्यक्ष के भाई, उनकी गाड़ी नहीं थी, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, मंडल अध्यक्ष की गाड़ी नहीं, उनके भाई के नाम पे जो रजिस्टर्ड गाड़ी है उसमें एक बार 1,000 रुपए, एक बार 1,700 रुपए, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, कलेक्टर के द्वारा जांच की रिपोर्ट है। और उसके बाद 95-13 जो कि जिलाध्यक्ष जी की गाड़ी थी, जिसको कि सचिवालय जाने के लिए नगर पंचायत के अध्यक्ष ने कोरोना काल में लिया था, और वो 2,000 रुपए टोटल। ये देखिए आप, कोई अनियमितता नहीं है, ये जबरदस्ती का बात का बतंगड़ बना रहे हैं। दूसरा एक और आरोप है कि शाम को आंदोलन करते हैं यहाँ पर, रात को जाके समझौता कर लेते हैं। मैं भानु प्रतापपुर नगर पंचायत का सांसद प्रतिनिधि भी हूँ और भाजपा मंडल अध्यक्ष हूँ। भानु प्रतापपुर में आपके मीडिया के माध्यम से भी पता होगा कि नगर पंचायत में किस तरह काम बाद में, काम पहले हो जाता है, टेंडर बाद में निकलता है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार और
बच्चों, तालाब का गहरीकरण होता है, टेंडर बाद में निकाला जाता है। और यहाँ पे स्कूलों में भ्रष्टाचार, मेरे बच्चे 15 करोड़ रुपया भानुप्रतापपुर ब्लॉक के लिए आया हुआ है, उसमें से एक चिचगांव स्कूल है, 3-3.5 साल स्कूल बने हो गए, उसके रिपेयरिंग के लिए हमारे पास 11,50,000 सुक्ति हुआ है। 3 साल स्कूल बने हुए, 11,50,000 रुपए सुक्ति हो गया, ये इनका काम है। चलिए मैं और आम आदमी पार्टी से भी सवाल करूंगा, सेना वाले भैया भी बैठे हुए, पहले मैं आपका सवाल कर लूँ, फिर उनका जवाब में जाके कांग्रेस से पूछ लूंगा। मेरा विधायक महोदया से सवाल है, अभी कांग्रेसी लोग कह रहे थे कि स्कूल जो है निष्पक्ष तरीके से स्कूलों में काम हो रहा है। मेरा सवाल है कि ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाना चाहिए पहले तो, दूसरा तो ग्राम पंचायत के अलावा जनभागीदारी समिति को एजेंसी बनाना चाहिए था। यदि दोनों को एजेंसी नहीं बनाए तो इनके द्वारा निष्पक्ष टेंडर निकालना था। सरकार का भंडारण एवं क्रय नियम कहता है कि 3 लाख से ऊपर के कामों में खुली निविदा निकालनी चाहिए। आपका आरोप क्या है? मेरा आरोप है कि 3 लाख से ऊपर के कामों में खुली निविदा निकालना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा नहीं निकाला गया। और सरकार का भंडारण एवं क्रय नियम स्पष्ट है कि 3 लाख से ऊपर का निविदा निकालना है, इनके द्वारा नहीं निकाला गया। कोटेशन सिस्टम में केवल कांग्रेसियों को काम बांटा गया है। आप विधायक महोदय से पूछिए, इस पर जांच कराए कि 3 लाख से ऊपर के कामों में कोटेशन सिस्टम क्यों लागू किया गया, टेंडर पद्धति क्यों लागू नहीं किया गया, जबकि सरकार का नियम स्पष्ट है। चलिए आपके भी कुछ सवाल होंगे, मैं एक सवाल इनका है और आपके भी सवाल लेके विधायक के पास जाऊंगा, मैं विधायक मैम के पास उनसे पूछूंगा। मेरा प्रदेश सरकार से सवाल है, विगत 15 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल और 4.5 साल के कांग्रेस सरकार के, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि जो प्रदेश का अंतिम व्यक्ति है, चाहे वह कांकेर जिला का हो, बस्तर का हो, सरगुजा का हो, राजनांदगांव का हो, सरायपाली बसना का हो, जिस मूल व्यक्ति का विकास होना चाहिए उतना उसका विकास नहीं हुआ। जिस हिसाब से विकास की परिकल्पना को लेकर के आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हटा करके कांग्रेस की सरकार बनाई थी, उतना विकास आम जनता का नहीं हुआ है। मेरा प्रदेश सरकार से यह प्रश्न है कि अंतिम व्यक्ति का विकास कब होगा? अंतिम व्यक्ति का विकास कब होगा? देखिए, अभी जो कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे, लेकिन यह बात सच है कि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसे बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बखूबी से कांग्रेस पार्टी ने निभाया है। मैं एक उदाहरण दूंगा कि भानुप्रतापपुर नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के पार्षद मिल के जमीन को नीलाम कर दिए, और बाद में जब जांच हुई आम आदमी पार्टी के दबाव के बाद, दूध और पानी का पानी हो गया। इस बात से स्पष्ट है कि कांग्रेस और जनता पार्टी मिले हुए। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय विधायक महोदय से और कांग्रेस पार्टी की सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं कि 2019-21 तक 2 साल में छत्तीसगढ़ के 59,933 महिलाएं गायब है, जिसमें से 10,000 से अधिक बेटियां हैं जो कि 10 साल से कम उम्र के हैं। प्रदेश की सरकार इस मामले पे क्यों संज्ञान नहीं लिया? प्रदेश की सरकार मामले पे क्या कार्रवाई की? क्योंकि महिला विधायक है, इसलिए मैं मैडम विधायक महोदय के माध्यम से सवाल प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूँ, बड़ा गंभीर घटना है। बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल ले लेता हूँ। चलिए, आप ही से मैं इस सवाल का जवाब ले लेता हूँ। 3 लाख के ऊपर निविदा निकलनी चाहिए, उनका आरोप है, कोई टेंडर नहीं, भ्रष्टाचार कांग्रेस का। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी इस प्रदेश में 15 साल तक, है ना, तो वो जो काम उन्होंने किया है वो सबको पता है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जब डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, तब घोषणा पत्र में चुनाव के समय लिखे थे कि धान का बोनस हम देंगे, लेकिन बोनस कभी नहीं दिए, सिर्फ जब चुनाव आता था तब धान का बोनस किसानों को देकर लालीपाप पकड़ा दिया जाता था। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, उसको बस्तर में सारे आदिवासी नकार चुके हैं, क्योंकि वे संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में जब संविधान की कापियां जलाई जाती है तो माननीय नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर एक भी कार्रवाई किए क्या उनके ऊपर? मैं एक बात कहना चाहता हूं साहब, आज मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, बलात्कार हुआ, उस विषय पर न केंद्रीय मंत्री बोला, न देश के प्रधानमंत्री बोला। वहां इतने लोग मर गए, और बस्तर में तालमेटला सही के कई कारनामे हुए जब हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शासन थी तब।
तब भारतीय जनता पार्टी के जो दोस्त हैं आज हितैषी बन रहे, कहां सोए हुए थे, कहां सोए हुए थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहूंगा, इतना हल्ला यहां कर रहे हो मणिपुर के मामले में, मणिपुर के घटनाओं को लेकर इतना हल्ला अगर आप करते तो मणिपुर में जो आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ वो कभी नहीं होता। आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, ये हरकत नहीं होती। और आप कहते हैं बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ा, आप भले ही चांद तक पहुंच गए और नाराज होते हैं आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप वहां बेटियों को नंगा घुमाने का काम अगर कोई कर रहा है तो आपके संरक्षण में किया जा रहा है। भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से ये जानना चाहूंगा, आपने ये जो नारा दिया है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा आपने दिया है क्या, और वो घटना है मणिपुर का, आप दोनों में कंपेयर करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है और करती कुछ है, उसके कथनी और कहनी में अंतर है। आप देखते एक बात और कहना चाहूंगा, विदेश में जाके माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमारे देश में विकास हो रहा है, उसी का केंद्र का मंत्री बोलता है कि 7 साल में 2007 के बाद एक भी IIT एक भी मेडिकल एक भी IIT भारत देश में नहीं बना है। वो वहां विदेश में जाके झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी किसी से डरता है तो मात्र राहुल गांधी से डरते हैं। महिला है और आप महिला विधायक है, सवाल भी बहुत लाजमी था कि जिस प्रकार महिलाएं गायब है बच्चियां गायब है, सरकार इस पे गंभीर क्यों नहीं है। विषय बहुत वाकई में गंभीर है, इस पे सरकार को गंभीर होना चाहिए। आप एक महिला है तो आपसे सवाल बहुत लाजमी है, उसका जवाब आप देखिए। ये भाई साहब बोल रहे हैं ये ऐसा कोई डाटा है नहीं, वो कहां से डाटा निकाले है पता नहीं, तो हमारे पास ये ऐसा डाटा है नहीं। वो जरा सरासर सरासर ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं जो है बच्चे यहाँ पर वाकई में इतने खुश हैं, यहाँ महिलाएं जो है बहुत खुश हैं, और ये जो बोल रहे हैं तो ऐसा हमारे पास कोई डाटा नहीं है, इनके कहीं से भी निकाल कर आए सरासर कुछ आरोप नहीं है इनके पास, कुछ बोलने के लिए नहीं तो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हमारे पर लगा रहे हैं। चलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो ये बात भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि इनको तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो प्रत्याशी दिया वही बलात्कारी निकल गया था। चलिए, पीछे बहने बैठी हैं, किसी को सवाल करने तो हाथ जरूर खड़े करें। मैं विधायिका जी से पूछना चाह रही हूँ, अभी अभी बता रही थी कि जाड़ेकुर से तरफ काफी विकास हुआ है करके, लेकिन जाड़ेकुर से में जो पुलिया बना है ना भारतीय जनता पार्टी का सूचित हुआ है, वो पुलिया बना है आदि उसका नियत रहता, आदि उसका नियत रहता भूपेश सरकार का, तो जाड़ेकुर से करावली का पुलिया को पास करवा के बता दे, एक छोटे से पुलिया को बना नहीं पाया तो बड़ा पुलिया क्या बनवाएगा। भूपेश सरकार लफड़ा है, लफड़ा सरकार है, उसने गौठान में जाके देखो, गौठान में सक्सेस नहीं है, गौठान में बैल नहीं है, गौठान में कान देने के लिए कोठला नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सक्सेस नहीं है। और बोर भी हुआ है तो मूलभूत का पैसा का बोर हुआ है, 15 फीट का पैसा का बोर हुआ है, बता दो भूपेश सरकार की वो कहाँ पे कराया है, गौठान में कहाँ है। कल जी बोल रहे थे मैं काफी विकास की हूँ करके, बता दे कहाँ विकास की है। मैं गाँव में एक स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, गाँव में एक शौचालय नहीं है, हमारे बालक के लिए इतना पैसा बढ़ा है, शिक्षक की कमी है, जहाँ सारे शिक्षक को सेंटर में रखती है, गाँव में शिक्षक नहीं है, वहाँ का जाए खुशे में नहीं था, वहाँ का शिक्षक को बिल्कुल अटैच किया था, हमने धरना प्रदर्शन किया गाँव वाले से तो उनका नींद खुली और वहाँ टीचर को वापस की, बता दे कहाँ शिक्षक है, शिक्षक नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है तो शिक्षक नहीं है, और कहीं रोड भी नहीं है, जाने के लिए जर्जर स्थिति है। जितना भी काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी पे काम हुआ है, जो भी हुआ है भारतीय जनता पार्टी पे हुआ है, 3-3 किलोमीटर में हाई स्कूल खुला है, मिडिल स्कूल खुला है, कॉलेज खुला है, हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का देन है। सीधा सीधा भूपेश सरकार और इस क्षेत्र के विधायक महोदय से मेरा एक ही प्रश्न है कि आप बताइए, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे दुबो कुंडल में आप ठेकेदारी करने के लिए माइंस में एक एक शिशुपाल सोरी जी हैं, ये एक माइंस में ठेकेदारी कर रहे हैं, एक देवेंद्र यादव जी, क्या ये सब नेता क्या ठेकेदारी करने के लिए या आम जनता के लिए बने हैं, और ये खुद के पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं। और वहाँ और एक चीज बता दूं, पिछले चार महीना से चेमल माइंस बंद है,
विधायक महोदय से एक ही प्रश्न है, क्या चार महीना से चेमल में चेमल में मजदूर जो बैठे थे, क्या कभी आप उनसे मिलने गए थे कि क्या कमी है, क्यों आप धरना में बैठे थे, आज तक गए हैं क्या चेमल में, आप उनसे जवाब लेंगे? चलिए आप बताइए। मेरा सवाल सिर्फ विधायक मैडम से है। विधायक मैडम कह रही थी कि हमारे क्षेत्र में इतना विकास हुआ है जिसका मैं बखान नहीं कर सकती, बताते हो कितना विकास किए हैं। और मैं दुर्गोकोंदल क्षेत्र से आती हूँ और दुर्गोकोंदल क्षेत्र में तीन तीन चार चार माइन से संचालित हो रहे हैं जिनमें टोटल कांग्रेसी लोग का कब्जा है, ठेकेदारी कर रहे हैं। वो आपका आरोप क्या है, सवाल क्या जल्दी बता। सवाल है मैडम से कि वो क्या बोलते हैं कितने महिलाओं को रोजगार दिए हैं और बेरोजगार। मैं समझ गया आप बोल रहे थे जल्दी सवाल करते, अंतिम डोला के समय में हम जल्दी जल्दी सवाल कीजिए, मैं उसकी प्रतिक्रिया विधायक मैम से ले लूंगा। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से, जब भारतीय कांग्रेस पार्टी का सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ाई खाते हैं, दोनों पार्टी को हमेशा कमीशन जाता है। शराब पार्टी की बात करें, शराब पार्टी में दारू मिला मिला कर वहाँ पे मतलब शराब देता जाता है और कांग्रेस पार्टी उसमें संरक्षण देते हैं जितने भी जो करे। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूँ विधायक मैम से, बहुत सारे अंतिम एक मिनट। अभी हम यहाँ आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे भाई के जो है वो भाई भाई है करके, पहले ये तो बता दें, एक अभी राजा जी ने बताया कि सेंट्रल में और दूसरा अभी उपचुनाव हुआ था। कम शब्दों में सवाल कर, मेरा बस प्रश्न वही है उन्हीं से पूछिएगा उनसे आंसर। अभी उपचुनाव हुआ था को तो कांग्रेस के समर्थन में अपना प्रत्याशी तक खड़ा नहीं किए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ी है, पूछ लीजिए इनसे। राजीव गांधी जब हुआ करते थे उन्होंने कहा था एक रुपया मैं इस देश के विकास के लिए बेचता हूँ तो 15 पैसे वहाँ पे पहुँचता है। अरे नकली गांधी का पोस्टर कब तक चिपका के घूमोगे भाई, ये पप्पू को आंख मारना बंद करो। इस देश की जो इस देश के संस्कार और संस्कृति को नहीं जानता वो नकली गांधी। चलिए प्रतिक्रिया ले रहा हूँ, प्रतिक्रिया ले रहा हूँ। अभी आरोप लगा रहे थे, सरपंच खड़ी हुई थी उन्होंने भी आरोप लगाया कि विकास कितना हुआ है, कहीं विकास दिख नहीं रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि सतीश लाठिया जी ने जो भूमि का रकबा बढ़ने पर सवाल उठाया था, मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए बात बड़े गौर करने वाली बात है कि माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में खेती का जो डेवलपमेंट हुआ, आप लोग बोल रहे हो कि रकबा बढ़ा, यदि हमारे हेमंत सोरेन जी ने कहा था आप उस पर विरोध किए, खेती की वो परंपरा खत्म हो गई। अब जिसमें 4 फीट का मेड़ होता था हर किसान अब मेड़ को काट के छोड़ना कर रहा है, उत्पादन ज्यादा हो रहा है, 20 क्विंटल धान भूपेश बघेल खरीदी कर रहे हैं, इसलिए रकबा किसान खुद बेखुद बढ़ा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को इस बात का होश नहीं है। दूसरा एक अभी खड़े होकर बोलता है कि कांग्रेस के आदमी माइनिंग में ठेकेदारी करते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दो, अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माइनिंग लीज जिस ठेकेदार को मिला था आज भी उसे ठेकेदार के पास ठेका है। रही बात परिवहन के तो महावीर राठौर ने परिवहन का ठेका लेकर इसकी शुरुआत की है यहाँ, उसके बाद ही कांग्रेस का किसी आदमी को ठेका मिला है। अपने दामन में झांकना पहले सीखो, उसके बाद लगेगा कि सामने वाला काला है कि नहीं है। दोस्तों खड़े होकर चिल्ला देने से मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी। चलिए शिवसेना जी का भी एक सवाल था, ये लास्ट में अंतिम प्रतिक्रिया आप दे दीजिए, अंतिम प्रतिक्रिया। शिवसेना का सवाल था कि अंतिम व्यक्ति तक विकास का पहुंचे। देखिए अंतिम व्यक्ति तक ये हमारी योजना है कि शासन की जितनी भी योजना है उसको हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसका मैं सटीक उदाहरण आपको देख के बता रहा हूँ। आज हर ग्राम पंचायत में ग्रामीण सचिवालय लगता है, हर ग्राम पंचायत में ग्रामीण सचिवालय लगता है, इस कारण कि कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी समस्या के लिए जिला प्रशासन के पास ना जा पाए। ई जन चौपाल के माध्यम से कलेक्टर मैडम को निर्देशित किया गया, सम्मानीय विधायक जी के महोदय से, सम्मानीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से हर जिले में ई जन चौपाल लगे ताकि लोग वहां पर बैठ के जनपद पंचायत में अपनी समस्याओं को निराकरण करें। उसकी मॉनिटरिंग हर मंगलवार को होती है। हमारा पूरा प्रयास है कि जितनी भी सरकार की योजना है, आज आप देखिए राशन कार्ड है, आज घर बैठे, आज बच्चा पैदा नहीं होता उसको जन्म प्रमाण पत्र मिल जा रहा है, ये सबसे बड़ी है। आपके शहरों में मकान राजीव मकान के सदस्य हैं जो लोगों की समस्याओं को ला के उसका निराकरण का करने का प्रयास करें, मतलब आज व्यक्ति को वहां जाने की आवश्यकता नहीं, सरकार उनके पास पहुंच रही है।
बस एक बार विधायक मैम ने बोल दिया, मैं इसका जवाब जान लेता हूँ। विधायक मैम ने आपसे ये कहा था कि अभी आपने जो महिला को लेकर आरोप लगाया, वो बोल रही कि आपके पास कोई डाटा नहीं है, आप इनलीगल बात कर रहे हैं। डाटा की बात नहीं, डाटा पास है, डाटा हम दे देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में इसी भूपेश के सरकार में हमारे आदिवासी एससी एससी के भाई, नाइजेरिया के बाद पहली बार ऐसा होगा कि ये हमारे उसमें हमारे आदिवासी भाई नग्न होकर के यहाँ के घूमे, इससे सर्वसार की बात और क्या हो सकते है। ये बात करते हैं दूसरे जगह की, ये आप मणिपुर की बात करते हैं, वो बातें आप बंद करना कीजिए। लेकिन विकास यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 तक थी और 18 के बाद जो है वो, और मैं इनसे बात पूछना चाहूंगा, उस समय के इनके विधायक मनोज भंडारी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, मैं विधायक बनूंगा तो भानु प्रतापपुर को जिला बनाऊंगा। मेरा सवाल है इनसे कि यह कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और ये जिला कब बनेगा? और ये मुगालता में मत रहे, अगले चुनाव होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये फालतू बात करना बंद करें। मैं इस सवाल के माध्यम से मैं जवाब चाहता हूँ मैडम से, कांग्रेसियों से, कि जिला भानु प्रतापपुर कब बनेगा? मेरे सवाल के माननीय अध्यक्ष साहब बोल रहे थे जिला की मांग 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस समय से इनकी घोषणा थी जिला बनाने की, और उस समय सारे नागरिक अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता को भूलकर एक साथ हुए, एक साथ होकर इनके हम लोग 6 बार डॉक्टर रमन सिंह के पास गए, कहा चले गए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब हमारी सरकार आई है, माननीय भूपेश बघेल जी ने भेंट वार्तालाप कार्यक्रम के अनुसार बोला कि मैं किसी को खुश करके किसी को दुखी नहीं करना चाहता, अंतर्गत भानु प्रतापपुर वाले तय करो, तुरंत जिले की घोषणा यहाँ से ले लो। ये कांग्रेस की सरकार है और वो 15 साल की कांग्रेस की सरकार थी। देखो सवाल और जवाब होते रहेंगे और आरोप प्रत्यारोप होते रहे, जवाब मिले हैं, खैर देखने का बात होगा कि जनता और जलार्दन इस पे क्या फैसला आगे 2023 में देती। तब तक के लिए TV24 को आप इजाजत दीजिए, नमस्कार। राजनीति खेल है, शह और मात का।